प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्थित प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। 1984 में आसपास के गांवों के लोगों ने मिलकर प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा का गठन किया। तब से ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन मास चल रहा है, इसी मास अमरनाथ यात्रा भी बड़ी फलदायी मानी जाती है। बीते दिनों हमारे पत्रकार जीवन शर्मा को जहां जाने का मौका मिला। इस मंदिर में सुबह से रात तक लाखों की तादाद में भक्तों का आना जाना रहता है। अलग अलग प्रांतों से भक्त जहां शिव के दर्शन करने आते हैं। बाकी मंदिर के इतिहास के बारे जानकारी मंदिर के पुजारी पंडित अश्विनी शर्मा जी से प्राप्त करते हैं। पंडित अश्विनी कुमार शर्मा, प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये देवभूमि हिमाचल कही गई है, जहाँ से हिमाचल शुरू होता है। प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ ये अपने आप स्वयं ऊपर शिवलिंग है, युगों प्रांत। जब बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु जी का बटपन के तौर पर आपस में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम स्तंभ के रूप में जहाँ पर भगवान शंकर प्रकट हुए, और इस स्तंभ में से आवाज़ आई कि जो इस स्तंभ के नीचे का और ऊपर के भाग का पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। बोलते जन वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो ऐसे में बोलते हैं कि हजारों वर्षों तक विष्णु जी पाताल में चले गए, ब्रह्मा जी आकाश में चले गए, मगर उनका कोई पता नहीं चला, इसका स्तंभ का कोई पता नहीं चला। हार करके जहाँ पर पहुँचे तो इस स्तंभ में से ही भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हम त्रिदेवों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए हम तीनों देवों को अपना अपना काम करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी जो पंजाब के थे, वो इस रास्ते कहीं आगे जा रहे थे। जैसे जहां पर पहुंचे तो वहां पर जहां पर जैसे पहुंचे तो घोड़ों पर जाते थे राजा लोग, जैसे जहां पर पहुंचे तो उनका घोड़ा ना आगे बढ़ पाए। उन्होंने सोचा थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। जैसे ही विश्राम करने लगे तो राजे लोग थे, विश्राम करना था तो उनके बैठने का भी कोई स्थान अच्छा चाहिए था। तो बोलते हैं कि बड़ का बूटा, जो बौड़ का बूटा है, वहाँ से लेकर के शिव पिंडी तक की यही एक स्थान था, बाकी कुछ नहीं था। तो जो सैनिक लोग थे उन्होंने इसकी सफाई की, मगर ये पिंडी आगे दिखाई दी। पिंडी में उन्होंने सोचा ऐसे ही है, पत्थर या इसको पीछे हटाते हैं। उन्होंने काफ़ी इसकी कोशिश की मगर ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिर उन्होंने इसकी खुदवाई करवाई, खुदाई करते करते 50 फुट नीचे ज़मीन में चले गए, मगर इसका कोई अंत नहीं मिला। ये दो पार्ट में शिव और पार्वती जी का स्तंभ जो है वो ऐसे नीचे के जाता था। फिर भगवान ने विचार किया कि ये राजा लोग हैं, मानने वाले नहीं हैं, तो इनको थोड़ा अपना चमत्कार दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कीड़े मकोड़े काटे, हम जिनको काटे बोलते हैं, वो जमीन से प्रकट हुए, और जिस किसी को भी ढंग करते थे वो ऐसे ही बेहोश हो जाए। तो बेहोश हो जाने के कारण राजा को ज़्यादा शक हुआ। उन्होंने अपने राजपुरोहित बुलाए, राजपुरोहित आकर के उन्होंने देखा कि ये तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पिंडी स्तंभ है, तो राजा ने आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप ऐसा करिए जहाँ पर साधु महात्मा बुलवाइए और यज्ञ हवन कराइए। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया था। बाकी मेन महानता ये है कि गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दी में इकट्ठी होती है, शिवरात्रि की रात को नक्षत्रों के हिसाब से उस घड़ीपाल के लिए आपस में मिलती है। ये इसकी एक संक्षेपित कहानी है। जय शंकर। काठगढ़ जलंधर से जीवन शर्मा की रिपोर्ट।